नमस्कार, मैं हूं प्रिया आसीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत करते हैं शहर की खराब सड़कों और नगर के विधायक के दौरे की। शहर की खराब सड़कों का जायजा लेने के लिए आज नगर के विधायक शहर में निकले। विधायक घनश्याम सराफ ने बीटीएम चौक, बड़ चौक सहित अनेक स्थानों की सड़कों के साथ साथ अमृत योजना के तहत डाली गई लाइन्स का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ एडीसी राहुल नरवाल व एसडीएम भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि वीरवार को भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ ने शहर का दौरा किया, जिसके तहत उनके द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों महम गेट, रोहतक गेट, बावड़ी गेट, बड़ चौक, खालुआज गेट तथा नूनसर झोड़ सहित अन्य स्थानों का दौरा भी किया गया। इस दौरे में उनके द्वारा शहर की सड़कों और अमृत योजना के तहत करवाए गए कार्यों का जायजा लिया गया। इस मौके पर उनके साथ एडीसी राहुल नरवाल, एसडीओ राजकुमार, नगर परिषद के एमई सुनील कुमार तथा अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। छुट्टे रह गए हैं उन कामों के लिए छुट्टे उन योजनाओं में और जो शहर के कुछ एरिए इस योजना के तहत नहीं आए थे उन्हीं का प्रपोजल हमने दे दिया है। हम आगे जाके मुख्यमंत्री से इस योजना को जैसा कि हम उन सब प्रभावित अधिकारी हैं और जो कर्मचारी उन सब से बात करके उसके बाद में इसके ऊपर शहर से कल पानी का भराव ज़्यादा हुआ था और वो पानी करीब करीब निकल चुका है। कहीं पे कोई पानी है तो उसके लिए हम बात करेंगे और पानी निकासी का प्रबंध पानी ठहरता है एक दो घंटे में उसके बाद निकल जाता है। कुछ जगह हम फेज टू या रिवाइज प्रपोजल भिजवा रहे हैं तो एक साथ सारे काम नहीं हो पाते, लेकिन हम रिवाइज करके प्रपोजल भिजवा रहे हैं और रिप्रेजेंटेटिव हैं जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उनका साथ रहा तो और भी अच्छा हम कर सकते हैं। बराबर उन्हीं जगह पे है जहाँ पे स्टॉर्म वाटर डिस्पोजल अच्छे से नहीं हो पाए हैं। यहाँ पे स्टॉर्म वाटर डिस्पोजल अमृत के पाइप डले हैं, वहाँ पे एक या दो घंटे पाइप पानी रहता है उसके बाद निकल जाता है। जो दूसरी जगह की आप बात कर रहे हो वहाँ पे हमारी कोशिश जारी। लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता एक बार फिर शहर की सड़कों पर उतरे और मौजूदा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने सत्ताधारी पार्टी की हर नीति को जन विरोधी बताते हुए सरकार को नाकामयाब बताया। वीरवार को कांग्रेस नेताओं द्वारा मिलकर भिवानी शहर में प्रदर्शन कर लघु सचिवालय पर भूमि अधिग्रहण बिल तथा निरंतर बढ़ती हुई महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं कांग्रेस नेता परमजीत मड्डू तथा देवराज मेहता ने बीजेपी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि स्थानीय सरकार के कार्यकाल में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। इसी कड़ी में आज उनके द्वारा पेट्रोल, डीजल व गैस के दाम कम करवाने की मांग के साथ साथ भूमि अधिग्रहण बिल भी वापस लिए जाने की मांग की गई। आज कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरे हरियाणा के अंदर, खासकर हरियाणा में जो किसानों के ऊपर लाठी चार्ज हुई है, जो बर्बरता सिटाई की है, जो अफसर ऐसे करने ऑर्डर हैं, सत्ता देते हैं उन आप आज हम डीसी के माध्यम से राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना मेमोरेंडम कांग्रेस पार्टी सौंप रही है। दूसरा, जो भूमि अधिग्रहण बिल इन्होंने बनाया है उस बिल से पूरे हिंदुस्तान की जनता बर्बाद हो जाएगी। वो बिल्कुल बिल अकानून है, उसमें कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है, उसको हम वापस करना चाहते हैं। नंबर तीन, जो पेट गैस रसोई के दाए जा रहे हैं उनको इसलिए, और इस सरकार ने हिंदुस्तान की जनता को बर्बाद करने का काम किया है और करना रही है, तो हम उसको रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी की आदेश और चौधरी जो हमारी श्रुति चौधरी उनके दिशा निर्देश पर आज हमने सब ने और हाईकमान के दिशा निर्देश पर आज ये प्रोग्राम किया। ये भी पार्टी ने तानाशाही की सारी सीमाएँ पार कर दी। कभी अंग्रेजों के टाइम में भी ऐसा नहीं होता था, जैसे कि इसके एसडीएम ने आदेश दिए। आदेश कोई कर्मचारी या अधिकारी ऐसे नहीं देता, पीछे सरकार का आदेश होता है। सरकार ने इतनी अति कर दी कि सड़ फोड़ दो, हर एक नागरिक का अधिकार है। अगर सरकार कानून गलत बनाती है उसको विरोध करना, उसका विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है। किसानों ने क्या किया, अपना विरोध दर्ज करवाने ही गए थे। विरोध दर्ज करवाने के लिए मुखिया आया हुआ था, मुखिया के आगे विरोध दर्ज नहीं करवाएंगे तो किसके आगे करवाएंगे, और वो जब विरोध दर्ज करवाने गए तो उन पे इस तरह लाठी चार्ज करना बिल्कुल गलत था। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, महंगाई भी पेट्रोल और डीजल के दाम ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जबकि पेट्रोल और डीजल के दामों से महंगाई बढ़ती है, कुछ तो उससे बढ़ रही है। कुछ इनके जो मित्र हैं उन्होंने अति कर दी है। आज सारा प्लास्टिक उद्योग रिलायंस के अंडर है, प्लास्टिक की हर आइटम का रेट बढ़ता जा रहा है। इनसे पूछने वाला कोई नहीं कि पिछले साल कितना क्या रेट थे और अब क्या रेट है। भिवानी जिला के कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। करनाल में जो लाठी चार्ज किया गया है वो जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उससे भी बड़ा कांड है, और ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। कांग्रेस हाईकमान द्वारा ये कहा गया हर जिले पे प्रदर्शन किया जाए, उसी के तहत भिवानी में
ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी मांग है जो IAS अफसर सिन्हा है उसको बर्खास्त किया जाए और जो कानून ले कृषि कानून PPP गाड़ा इसको रद्द किया जाए। जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव जाकर पानी की गुणवत्ता जांच करने के लिए मोबाइल वैन को आज अधीक्षक अभियंता ने विभाग के सर्कल ऑफिस से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा संचालित ये वैन 30 सितंबर तक जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में जाकर वाटर टेस्टिंग करेंगी। वीरवार को अधीक्षक अभियंता जसवंत सिंह नरवाल ने जल जीवन मिशन के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा प्रदेश भर के जिलों में मोबाइल वाटर टेस्टिंग वैन को सर्कल ऑफिस भिवानी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वैन को रवाना करते हुए जसवंत सिंह ने बताया कि हमारे जीवन में पानी का विशेष महत्व है, इसलिए उसकी गुणवत्ता काफी मायने रखती है तथा जल जीवन मिशन व जल शक्ति अभियान के तहत यही संदेश शासन प्रशासन द्वारा लगातार आम जन तक पहुंचाया जा रहा है। वह वाटर टेस्टिंग मोबाइल वैन भी इसी कार्य को पूरा करेगी। उन्होंने बताया कि वाटर टेस्टिंग मोबाइल वैन एक आधुनिक उपकरण है, इसके द्वारा गांव में पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए मौके पर ही पानी की जांच की जा सकती है तथा दूर दराज के इलाकों में जो रिमोट एरिया में आते हैं वहां यह सबसे उपयोगी साबित होगी। साथ ही महामारी व आपातकाल की स्थिति पैदा होने पर यह मोबाइल लैब वैन के माध्यम से किसी भी गाँव में कुछ समय तक स्टेशन लैब के रूप में भी स्थापित किया जा सकता है। वहीं जिला सलाहकार अशोक भाटी ने बताया कि इस वाटर टेस्टिंग मोबाइल वैन का मुख्य उद्देश्य आमजन को पीने के पानी की गुणवत्ता के प्रति जागरूक करना है। पहले हमारे विभाग में सिर्फ जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे लेबोरेटरी टेस्ट में पानी टेस्ट होता था, जो हमारे के ही स्टाफ वाटर सैंपल लेके आते थे। अब ये जो वाटर जो लेबोरेटरी है वैन मोबाइल है वाटर लेबोरेटरी वैन, ये गांव-गांव जाएगी, गली गली जाएगी और हर वाटर वर्क्स पे जाएगी, तो वहाँ पे उसी टाइम एट स्पॉट ही सैंपल चेक करेगी और जो पब्लिक वाला है उसके साथ बैठ के भी पब्लिक वाला भी इसके चेक कर सकता है, जिससे कि पब्लिक को भी ये पता लगे कि हमारा पानी कैसा आ रहा है और इससे पब्लिक में जागरूकता आई थी आएगी और जहाँ पे पानी की गंदे पानी की शिकायत है हम उसको तुरंत ठीक करेंगे ताकि पब्लिक को ये इसलिए विभाग द्वारा प्रोग्राम चला जा रहा है क्योंकि कई बार क्या है कि जो टेल एंड पे या आम आदमी तक इस पानी की गुणवत्ता की जानकारी नहीं होती और अब इस मोबाइल वैन के माध्यम से जब वहीं पे उनके सामने टेस्ट होगा तो वो उनको ये पता लगेगा या हमारा पानी साफ़ है या पानी साफ़ नहीं है। हमारा ये है कि हर घर में जाके हर गांव में जाके हम वाटर की टेस्ट हैं, लोगों को श्योरिटी हो जाए प्योर ड्रिंकिंग मिल रहा है। अभी सैंपल लैब में टेस्ट हो तो लोगों को पता होता है कि लैब में टेस्ट जाए या नहीं है, हर जगह क्लोरिनेशन चला वाटर सैंपल चेक करना सारा इसमें मेन उद्देश्य सारा जल जीवन के तहत चल रहा है और मुख्य मनोहरलाल जी की उद्देश्यता में चल रहा है ये। जब जब जरूरत पड़ती है हम अपनी लैब से चेक करते रहते हैं, हमें कोई ऐसा लगता है भाई कहीं माँ फैलने की ऐसी स्टेज आती है सैंपल तो बार बार जाते रहते हैं। अब हमारे पास ये मोबाइल अलग से ना लैब आई है करनाल के सानिध्य में काम, वैसे तो ये इसकी परमानेंट जो है ना वो वहाँ पे करनाल में है, लेकिन अब ये भिवानी को एक महीने डेढ़ महीने के लिए जब तक हमारे गांव-गांव के जाके सभी गांव के सैंपल एक तरह से डाटा इकट्ठा करेंगे, हाँ डाटा इकट्ठा करेंगे और उसमें कहीं भी त्रुटि होगी तो उसको ना हम दोबारा लाइन को करा वाटर बक्स में अगर कोई ऐसी है को ठीक करा के जल्द से मतलब हमारा जल साफ जल लोगों को देने का एक अभियान है और डिपार्टमेंट में लोगों से अपील करता हूं कि थोड़ा सा हमारे को भी सहयोग दें और जल बचाएं। तो ये सरकारी सोर्स का जो पानी पब्लिक पी रही है वो स्वच्छ है या नहीं है, हम हर गांव में जाके और एज द स्पॉट मौके पे ही वहां सैंपलिंग टेस्टिंग करते हैं और पब्लिक हो तो पब्लिक के सामने भी टेस्टिंग करते हैं कि उनको ये पता चले कि जो हम सरकारी पानी पी रहे हैं वो स्वच्छ है या नहीं है। यदि वो स्वच्छ है तो उनको वहीं मौके पर रिपोर्ट भी दिखाई जाती है, यदि नहीं है तो उसकी रिपोर्ट हम ऑनलाइन भी चढ़ाते हैं। तो जैसे वो सैंपल फेल होता है या कुछ भी होता है तो उसका वो सोर्स वो हमारे सीनियर हैं जो ऊपर हैं वो उन पे एक्शन करते हैं या उसकी री सैम्पलिंग कराएंगे या जैसे भी है। सर स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ पानी पीने के लिए तो हमें ये है कि हम गांव वालों को ये कहते हैं कि पानी को व्यर्थ ना बहाएं। जैसे कई गांवों में हमने देखा है वो नाली में ही पाइप छोड़े होते हैं, उनके आगे ना तो टैप लगा होता है ना कुछ है, वो पानी को व्यर्थ ही चलने हैं। तो उनको क्या करते हैं कि पानी बहुत अमूल्य है कि उसकी मतलब कि उसकी उसको मतलब अपना ताकि वो पानी पाया जाए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन पर अपने पद का दुरुपयोग करने और करोड़ों रुपयों के गबन का आरोप लगाते हुए प्राइवेट स्कूल संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें तुरंत बर्खास्त करने की मांग सरकार से की है। वहीं साथ ही उन्होंने वर्तमान चेयरमैन के कार्यकाल में हुई नियुक्तियों पदोन्नतियों सहित टेंडर्स की भी निष्पक्ष जाँच की मांग की है।
प्राइवेट स्कूल संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को निलंबित करने व शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह को तुरंत बर्खास्त करने की मांग मुख्यमंत्री मनोहर लाल से की है। वीरवार को एक निजी रेस्तरां में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए प्राइवेट स्कूल संघ हरियाणा के प्रधान सत्यवान कुंडू ने मुख्यमंत्री से बोर्ड के संविधान के तहत शिक्षा बोर्ड को निलंबित कर चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह के कार्यकाल की तमाम नियुक्तियों, पदोन्नतियों और ऑनलाइन कार्य के टेंडर्स की निष्पक्ष किसी एजेंसी से जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शिक्षा बोर्ड के नियम में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बोर्ड के नियमों का उल्लंघन किए जाने और बोर्ड के अधिकारियों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग किए जाने के बाद सामने आने पर शिक्षा बोर्ड को निलंबित कर दिया जाएगा, जिसके बाद बोर्ड के संचालन की सारी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार के हाथों में होगी तथा सरकार एक साल की अवधि में बोर्ड का पुनर्गठन करेगी व इस अवधि में सरकार बोर्ड के संचालन के लिए प्रशासक की नियुक्ति भी करेगी। वहीं कुंडू ने आरोप लगाया है कि चेयरमैन द्वारा वर्षों से पड़े खाली पदों पर अपने नजदीकियों को पदोन्नति दी जा रही है तथा शिक्षा बोर्ड का सारा काम ऑनलाइन होने के बावजूद भी कर्मचारियों की संख्या घटने की बजाय बढ़ती जा रही है। इन्होंने बढ़ाकर संख्या 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी, 6 डिप्टी सेक्रेटरी, 25 असिस्टेंट, 120 सुपरिटेंडेंट और 348 असिस्टेंट के पद पर स्वीकृत है। जितने भी पद अभी तक बढ़ाकर अनुमोदित पदों में शामिल किए हैं वो सब नियमित रूप से समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि अब 8वीं का बोर्ड भी नहीं है। जो वो कर्मचारी थे वो भी बोर्ड में समा गए और जो बुक डिपो थे वो भी ज़्यादातर बंद हो चुके हैं, वो भी कर्मचारी बोर्ड के अंदर समाप्त हो चुके हैं और सारा काम ऑनलाइन है, क्योंकि जो स्कूल के मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं, वो भी स्कूल ही अपलोड करता है। कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर के नजायज तरीके से कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाकर अपने चहितों को प्रमोशन बांटी जा रही है, जो इसका भी बहुत एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हमारा तीसरा पॉइंट है जो ऑनलाइन फॉर्म होते हैं जिसको ठेके दिए जाते हैं। वर्तमान बोर्ड का चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह नए टेंडर्स न दे करके अपने चहितों को उन्हीं कोई पुराने फर्मों को टेंडर दिए जाते हैं, जिसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप इनकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए। ऐसा जब भी कोई उच्च पद पर बैठता है तो उसमें प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि मैं किसा भेदभाव का है और बिना मतलब जो है स्वच्छ सुविधा काम करूँगा, लेकिन वो स्वच्छ सुविधा काम बिल्कुल नहीं हो रहा, भेदभाव का काम हो रहा है और एक दबाण का कार्य कर रहे हैं। मैं बताऊं अपनी खामियां जो उन्हें छुपाने का कार्य कर रहे हैं और जो खामियां मतलब निकालता है बोर्ड का खिलाफ, तो उनके खिलाफ मतलब जो है एक द्वेष भावना का कार्य किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। हमारा कसूर सिर्फ इतना ही था कि भी हमने जो खामियां थी बोर्ड की खामियां बताई थी, हमें न तो किसी मतलब व्यक्ति से दुश्मनी थी, हमें सिर्फ सिस्टम चाहिए था, सिस्टमेटिक कार्य नियम के अनुसार, लेकिन नियमों का सरेआम जो ना उल्लंघन हो रहा था, लेकिन उस नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। इस विषय में हमने बच्चों का हित देखते हुए उनकी आवाज़ उठाई, मैं ये सरासर गलत है। फिर आपके स्कूल की गलत है, जिसके अंदर हमारे स्कूल के अंदर एक द्वेषपूर्ण कार्य करके हमारी एफिलिएशन रद्द कर दी गई, जिसका कोई भी कारण नहीं था, सिर्फ यही कारण था कि भाई तुम्हें देखेंगे, तुम बढ़ चढ़ करके बोल रहे हो, ताना साई रोइया अपना करके हमारा जो एप्लीकेशन रद्द कर दी गई। इसके लिए जो है ये मतलब एक प्रजातंत्र की सरेआम हत्या है। हाल ही में बाल सेवा आश्रम में एक लड़की पर अपने साथ की किशोरियों को यातना देने के आरोपों के मामले में आज एक नया मोड़ तब आया जब आश्रम की लड़कियां गेट पर आ गई और जोरदार नारेबाजी करते हुए उल्टा वार्डन पर ही इल्जामों की झड़ी लगाकर उन्हें हटाने की मांग मीडिया के सामने रखी। गौरतलब है कि बाल सेवा आश्रम में पिछले दिनों 8 नाबालिग लड़कियों की डंडों से पिटाई व करंट लगाकर यातनाएं देने वाली आरोपी लड़की पर लगे आरोपों को आज बाल आश्रम की अन्य लड़कियों ने निराधार बताया। उनका कहना था कि सपना निर्दोष है तथा उन्होंने वार्डन पर आरोप लगाते हुए कहा कि आश्रम की सभी लड़कियां वार्डन से परेशान हैं तथा सपना पर गलत इल्जाम लगाकर उसे फंसाया गया है। उनका कहना था कि पिछले कई सालों से वार्डन द्वारा आश्रम की लड़कियों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। इसी कड़ी में उन्होंने वार्डन को अपने पद से बर्खास्त करने, सपना पर लगे आरोपों को हटवाने तथा सीडब्ल्यूसी वालों को आश्रम में प्रवेश न देने की बात मीडिया से रूबरू होते हुए कही।
यहाँ की वार्डन बहुत गलत है, यह हम सब बच्चों के साथ भी गलत करती है। और इन आंटी वार्डन आंटी ने CWC के आगे झूठ बोला है कि सपना नाम की लड़की के पास फ़ोन है और सपना नाम की लड़की पे गलत गलत इल्ज़ाम लगाए हैं वो अभी कोर्ट में, और कोर्ट में इसको पहले उन लड़कियों को ले गई जो इसके खिलाफ करेगी और हमको नहीं ले गई। हम भी इसके खिलाफ बोलते कि लड़की ठीक है, इसके खिलाफ सही उसमें बोलते, लेकिन हमें नहीं लेके गए, सिर्फ उन दो तीन लड़कियों को ले गए जिसने आंटी जिनको बोल रखा था कि तुम आगे ये झूठ झूठ बोल देना कोर्ट के आगे, ये सब उन्होंने बोल दिया है। उसके बाद फिर अगले दिन इसको अकेली को लेके गए ताकि इसके आगे कुछ ना बोल पाए, फिर अकेली गई और इसको बोल दिया, इसको आश्रम के अंदर भी नहीं घुसने दिया, बाहर खड़ा कर दिया गेट के बाहर कि तू बाहर है, तेरा कोई आश्रम में नहीं रहेगा, CWC का ऑर्डर है ये है। और इसके ऊपर इतने गंदे गंदे इल्जाम लगाए, अभी सपना खुद बोल ये था कि जो मेरे रूम में रहती थी निशा नाम की लड़की वो चोरियाँ करती थी दूसरे रूमों में, तो मैंने ये बोला कि मेरे रूम में नहीं रहेगी अगर चोरियाँ करेगी, तो फिर भी वो सुधरी नहीं, फिर भी उसने और चोरियाँ की, तो फिर मैंने उसको रूम से जाने को कह दिया, तो इस बात पे उसने पतंगड़ मना दिया और क्या नाम है जज बहुत सारी शिकायतें लिख के दे दी CWC को, और उन्होंने बात का इतना पतंगड़ मेरे खिलाफ FIR करवा दी और मुझे हिसार की जेल में भेजने की कोशिश करी कि मतलब कि अब अगली सुनवाई पे मुझे हिसार की जेल में भेजा जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं कि अब मतलब कि सारे गलत इल्ज़ाम लगा दिए मेरे ऊपर कि मैं मतलब बहुत गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए हैं। किसने लगाए हैं? ये निशा और CWC ने मिलकर, सुमन आंटी सुपरिटेंडेंट अंकल और राकेश अंकल ने सब आपने क्यों प्रदर्शन किया है कि जो सच है वो सामने आना चाहिए, झूठ क्यों फैला रहे हो? ये जो कल वो सब में आया अखबार में इतना गंदा गंदा लिखा हुआ था मेरे बारे में कि ये लड़की ऐसी है वैसी है, क्यों सच क्यों नहीं आ रहा है सामने, और हमें ताले के अंदर बंद क्यों रखते हैं? कोई भी बात हो जाएगी ताले के अंदर बंद रहो, बाहर नहीं जाना, कोई भी बात हो जाएगी बाहर जाओ और फटाफट बाहर अंदर आ जाओ, हमें कभी भी मतलब ये नहीं दिखा, हमें ये नहीं मानते कि हाँ ये आश्रम की लड़कियाँ हैं, नहीं ये तो बाहर की लड़कियाँ हैं बाहर ही रहेंगी, ऐसे दिखाते हैं और बोलते हैं घर मान के रहो, लेकिन घर में अगर कुछ भी बात कर देंगे तुम्हारा घर नहीं है जो ऐसे घर मान के रह रहे हो, अपने इधर दो दिन रहो और फिर चले जाओ। मैं 2 साल से हो गए। सुमन आंटी मारती है, निशा दीदी मारते, वो और सपना दीदी के इंजाम लगवाते हैं, निशा दीदी चोरी भी करते हैं, लड़की है झूठे इल्जाम लगाते हैं निशा दीदी सपना दीदी पे, और वे शादी करना चाहते हैं ये, तो इसलिए पूछने के लिए ये आई थी दीदी, इसके साथ हम आ गए, तो यहाँ आकर देखा हमने गेट पर बढ़ने से पहले ये लड़की यहाँ रो रही थी सारी, कह रही थी आंटी हमें बचाओ, हमारी हेल्प करो, न्यूज वालों को बुलाओ, किसी को बुलाओ, हमारी मदद करो, हमें ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, गंदे इल्ज़ाम लगाते हैं ये लगाते हैं, इसलिए सर हमारे पास यहाँ आपका नंबर नहीं था, फिर हम गए घंटा करते, फिर वहाँ वो जो एक पुलिस वाला सर था उनके फ़ोन से आपके पास फ़ोन करवाया, तब आप बुलाए थे, आप सारी सच्चाई लड़कियों से पूछ लो, ये अनाथ गरीब लड़की है बेसहारा लड़की है, इनकी मदद की जाए, इनको इंसाफ मिलना चाहिए, ये किसी पे क्या झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी किसी पे क्या झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, इनके ये इल्ज़ाम हटने चाहिए और इन लड़कियों की सुरक्षा की जाए, जो भी जिन प्रशासन का ये नाम ले रही हैं जो भी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, हमारी तो आपसे यही उम्मीद है। मेरा काम है कि ड्यूटी पे काउंसलिंग के लिए कोई भी नया बच्चा आता है तो मैं उसको लेके बाहर जाती हूँ, तो उस टाइम पे भाई उनकी काउंसलिंग होती है, अब काउंसलिंग में बच्चे क्या बात करते हैं ये मेरी नॉलेज में नहीं होता, तो इसलिए अब इनको ये गलतफहमी है कि मतलब मैडम ही उनको ले जाके हमारी शिकायत करवाती है, और ऐसा कुछ नहीं है मेरी तरफ से, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ बच्चे जो है बड़े बच्चे जो है छोटे बच्चों के ऊपर करते तो हैं, तो बच्चे आरोप लगा रहे थे उन पर दबाव बना जाता झूठी शिकायत देने का, या दो भी शिकायत होती है नहीं दबाने का, झूठ है ये सब झूठ है, ये सब झूठ बोल रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ये जो है मैनेजमेंट फैसला करेगी हमारी, अभी मैनेजमेंट वाले मीटिंग होती है इनकी 11 लोगों की, वो लोग फैसला करेंगे। हाँ मुझे अभी ऑफिस में थी तो मुझे CWC मेंबर का ही फ़ोन आया कि यहाँ लड़कियाँ कुछ एजिटेशन सा कर रही हैं, कल किसी लड़की के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, उस कई बच्चों ने कई लड़कियों ने शिकायत करी थी उनकी, तो मुझे केस का इतना बहुत ज़्यादा तो डीप तक नहीं पता, लेकिन मैंने इन बच्चों से बात करी है, यहाँ की वार्डन से भी बात करी है, दोनों को अलग अलग बैठा के हमने बात सुनी है इनकी, तो जो भी होगा हम कोशिश करेंगे कि तह तक पहुँचें, और जो भी उसका डिसीजन होगा किसी की मतलब बायस ड्रॉ के नहीं करेंगे, जो भी हो सकेगा हम बच्चों के फेवर का कर करेंगे। किसकी ज़्यादा गलती लगी? अब मैं इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कह सकती, इतना कम समय में कोई डिसीजन नहीं दे पाऊंगी। तो CWC पर भी आरोप लगाए हैं, बच्चे कह रहे हैं कि दो साल वो उनसे अभी मेरी ऐसा उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई, ना ही मेरे पास कोई रिटर्न कोई शिकायत मेरे तक पहुँची है, तो इस बारे में मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकूँगी, जब तक मेरे पास पूरी फाइल नहीं आएगी पूरे कागज़ नहीं आएंगे मैं कुछ भी नहीं कहूँगी।
स्थानीय शांतिनगर में एक व्यक्ति ने पैसे के लेन देन को लेकर अपने ही घर में आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 64 लाख रुपए की लेनदारी के कारण मृतक परेशान रहता था और पैसा मिलना तो दूर, पैसे देने वालों से जान से मारने की धमकियां मिलने के चलते उसने अपनी जीवन लीला खुद ही समाप्त कर ली। गौरतलब है कि भिवानी के शांतिनगर में बीते दिवस एक व्यक्ति ने 64 लाख रुपए के लेन देन को लेकर अपने ही घर में आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं अनिल कुमार को एक निजी हॉस्पिटल में भी ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि अनिल की जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें उसने 64 लाख रुपए न देने के कारण मरने की बात लिखी है। वहीं अनिल के पुत्र मोहित ने बताया कि जीवन भर की पूंजी लूटने की वजह से अनिल परेशान रहने लगा था तथा बार बार उनसे पैसे मांगने के बावजूद आरोपी पैसा देना तो दूर, जान से मारने की धमकी दिया करते थे। वहीं औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी रणवीर सिंह ने बताया कि कल निजी हॉस्पिटल से सूचना मिली थी कि अनिल नामक एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है तथा मामले की छानबीन की जा रही है। न्याय मिलना चाहिए। इन चार बंदों ने रोज फोन के फोन, भैया को भी पता है इस बात का, फोन पे फोन करते थे रोज के लिए। कौन कौन लोग? विक्रम, सुरेंद्र कुमार, जोगेंद्र कुमार, राजरानी, राजरानी सबसे बड़ी खतरनाक औरत। आदमी मरवा के भी राजी नहीं होती, वो औरत ऐसी औरत है। हमारा तो सब कुछ उतार दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, तब भी राजी नहीं हुई। वो राजरानी, राजरानी, अरे वो सोनू, सोनू इनको तो सजा देनी देनी है। एक की तो इनमें से हत्या जरूर होनी चाहिए, सोनू, सोनू की हत्या जरूर होनी चाहिए। मेरे को न्याय देना, मेरे को न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो मेरे बच्चे रुल जाएंगे। उसके बाद जो आप मकान बनाने लगे वो खुद के बनाने लगे, क्योंकि इनके पास नहीं होता था पैसा लगाने के लिए। ये हिस्सा मांगते थे हर किसी चीज़ में दबाव डाल के। तो हमारे पास सारे एग्रीमेंट है, मम्मी के नाम है, फुल पेमेंट का एग्रीमेंट भी, और जिससे ले रखे अगला भी हमको जानते, इसको कोई नहीं जानता कौन आए कौन नहीं है। 45-45 गज के 2 मकान है, उसमें से एक में रखा इसने कब्जा। 1 महीने लगातार बात होगी, पुलिस चौकी में भी गई थे, वहाँ कार्रवाई हुई थी, तो वहाँ भी बोले अपने घर बैठ के फैसला करो, तो फैसला नहीं हुआ था, देखना पड़ता बिल्कुल। जो हम ही उसी टाइम कर देते हो, सरकार से हमारी ये है कि जल्द से जल्द हो, हम खाना पानी कुछ नहीं खा रहे। हॉस्पिटल पहुंच करके उसके परिजन, उसके लड़के मोहित ने अपनी एक लिखित दरखास्त दी, जिसमें उस मोहित ने सुरेंद्र सुनोप करमचंद, जोगेंद्र सुनोप करमचंद, राजरानी पत्नी करमचंद और विक्रम ठाकुर, उन पर आरोप लगाए हैं कि इन आदमियों से परेशान होकर मेरे पिता ने आत्महत्या की। मामला क्या था सर? मामला इनका प्रॉपर्टी का था और पैसे का लेन देन का मामला था। कितने पैसे? ये जो कंप्लेनेंट, इसके अनुसार 64 लाख रुपए की लेनदारी थी, 64 लाख रुपए लेने थे। 64 लाख की बात थी सर, किस काम के लिए थे? क्या ये प्रॉपर्टी का काम करते थे और बाद में पता चला कि भाई ये कोई बॉम्बे तनेजा फिल्म के नाम से कोई, इन्होंने अपना स्टूडियो वगैरह बनाने के नाम से पैसे लिए हैं और पैसे वापस नहीं आए। कितना था अभी तक उन्होंने? 306/536 IPC के तहत FIR दर्ज की गई है, पोस्टमार्टम करवाकर नासवारसन के हवाले की गई है, मुकदमे में अनुसंधान किया जा रहा है, दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। घरेलू गैस के दामों में बढ़ोतरी और राशन में तेल न मिलने से नाराज जनवादी महिला समिति द्वारा शहर में प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री को संबोधित अपना मांग पत्र भी उपायुक्त कार्यालय में सौंपा गया। समिति की महिलाओं ने सरकार द्वारा लगातार गैस के दामों में बढ़ोतरी को गलत बताते हुए दाम कम करने और पूरा राशन दिए जाने की मांग रखी। हरियाणा सरकार द्वारा घरेलू गैस के दामों में बढ़ोतरी एवं राशन डिपो में तेल न मिलने से नाराज जनवादी महिला समिति द्वारा शहर में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वहीं जब इस बारे में जनवादी महिला समिति की सचिव सुलोचना से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि अब तो महिलाओं को भोजन पकाने में भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि पहले राशन डिपो में 14 प्रकार का सामान मिलता था, लेकिन अब केवल गेहूं व चीनी में भी नाम मात्र की मिलती है तथा सरसों का तेल तो बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है। वह इसके बदले में मिलने वाले पैसे भी कई लाभार्थियों को नहीं मिलते। वहीं उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द महंगाई पर रोक नहीं लगाई तो जनवादी महिला समिति एक बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगी। जी, किस बात को लेकर आज प्रदर्शन किया है, किस योजना को लेकर? आज ये हमारे जो मोदी सरकार ने कहा उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को जो ये दिए थे सिलेंडर, आज हालात हमारी ये हो रही है
उज्ज्वल योजना के तहत सिलेंडर देकर आए दिन जो महिला हमारे गैस सिलेंडर के रेट पर हैं उससे आम जन का जीना दुर्बर हो गया है। रसोई के अंदर खाने पीने की व्यवस्था जो हमारी थी सारी खराब हो चुकी है। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं समय रहते या तो जो आपने हमसे वादे किए थे अगर महिलाओं को मतलब सुरक्षा दी जाएगी, गैस सिलेंडर फ्री दिया जाएगा और एक बार फ्री का लुभाने वादे देकर रेट आसमान पर चढ़ा दिए जिससे हम गरीब महिलाएं राशन बनाने की मोहताज हो चुकी है। बुधवार देर रात गांव लोहानी के पास हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। हादसा अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ। मृतक बिजली विभाग में जेई के पद पर कार्यरत बताया गया जो कि अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था कि अज्ञात वाहन ने गाड़ी को टक्कर मार दी। गांव लोहानी के पास अज्ञात वाहन की गाड़ी के साथ हुई टक्कर में वाहन चालक की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक पवन फोगाट बिजली विभाग में जेई के पद पर कार्य कर रहे थे तथा वर्तमान समय में वे गांव आलमपुर में ड्यूटी पर तैनात थे तथा जब वे शाम को अपनी ड्यूटी खत्म करके गाड़ी में आलमपुर से वापस जा रहे थे तो गांव लोहानी के पास अज्ञात वाहन से उनकी गाड़ी की टक्कर हो गई। वहीं दोनों व्यक्तियों को तुरंत सामान्य अस्पताल ले जाया गया जहां उपचार के दौरान पवन की मौत हो गई। अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। पवन कुमार फोगाट जो बिजली बोर्ड का एक होनहार कर्मचारी था और ये एसएससी था आलमपुर में, कल शाम को अपनी ड्यूटी करने के बाद में वापस जब भिवानी तरफ आ रहा था तो ये अज्ञात वाहन ने उसको टक्कर मार दी जिसमें दो व्यक्ति थे, एक घायल हो गया सूरजमल था उसको कदम उसने एडमिट है और ये पवन कुमार। गली निर्माण और गंदे पानी की निकासी के उचित प्रबंध की मांग लेकर आज गांव धनाना प्रथम की महिलाएं उपायुक्त कार्यालय पहुंची और अपना मांग पत्र सौंपा। वहीं उन्होंने हाल ही में हुई बारिश के कारण जल भराव से हुई परेशानियों की भी बात कही। वीरवार को गांव धनाना प्रथम की महिलाओं ने उपायुक्त से मुलाकात कर गली का निर्माण करवाने व गंदे पानी की निकासी का उचित प्रबंध करवाने की मांग को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। उपायुक्त से मुलाकात करते हुए महिलाओं ने बताया कि उनके घरों के सामने गली का निर्माण न होने के कारण पूरी गली में गंदा पानी भर जाता है जिससे वहां से आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पानी की निकासी न होने के कारण पूरी गली में बरसाती पानी व गंदा पानी भरा हुआ है जो कि बदबू मार रहा है जिसके कारण मलेरिया व डेंगू जैसी भयानक बीमारियों के पैदा होने का खतरा बना हुआ है। इसी कड़ी में महिलाओं ने उपायुक्त से आज गली निर्माण व गंदे पानी की निकासी का जल्द से जल्द उचित प्रबंध करवाने की मांग की। मेरा सलोचना है जी, हमारे गांव के गलियां में बुरा हाल हो रहा है जी पानी के कारण। गोडा पानी खड़ा है, मेरा ताट पैर का काम है और पशु भी मारे इतने परेशान हो रहे हैं, जीना आराम हो रहा है हमारा। जै ताज आए हम भी कोई समाधान करो हमारा। फर्स्ट के निवासी हैं हम और जो गली है वो हमारी मेन गली, इसमें ज़्यादातर तो इनके कुमारा के और इनके लोहारा के मकान लगे हैं, ज़्यादातर बैकवर्ड के मकान हैं और जैसे सरपंच से भी कई बार कहा गया उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। सारा चीज़ ज़्यादा परेशान हो गए ना और बेचारी भी आज डीसी तक मिलना आए हैं भाई, डीसी तक कोई समाधान हो जाए। अभी सरपंच गलत हो भी बना नहीं रहे, सरपंच तो नुको है अभी नहीं बनेगी तो उसने छोड़ के सीधे भी डीसी साहब का थ्रू अगर हमारी गली बन जाए तो मेन गली है सर गाँव की, ये भी नहीं है कि कोई छोटा मोटा टुकड़ा हो। मनरेगा के काम और किए काम के भुगतान की मांग लेकर आज मनरेगा कामगार यूनियन उपायुक्त कार्यालय पहुंची और रोष प्रदर्शन किया। यूनियन सदस्यों ने मौजूदा सरकार पर उनकी उपेक्षा करने के आरोप लगाते हुए उनके काम का भुगतान न होने की स्थिति में आगामी दिनों में भारत बंद में भागीदारी की चेतावनी भी दी। उनको सरकार 6 महीने तक राशन 10 किलो गेहूं और 7500 रुपए उनको उनके खर्चे के लिए दे और साल में 200 दिन उनको काम मिले और काम के बदले 600 रुपये दिहाड़ी उनको, मतलब काम करते ही उनको दिहाड़ी मिल जाए। लेकिन सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर रही है और जाति आधार पर उनको उनका बजट उनको वितरण कर रही है। जैसे कोई अगर कोई स्वर्ण कास्ट है तो वो अलग से उनका बजट है और जो SC BC उनका अलग से है। अभी शुरू किया है तो अभी जो मजदूरों की मांगे हैं वो सरकार से मांग करते हैं कि वो उनकी पूरी की जाए, नहीं तो फिर आगे और तैयार की जाए। गुरुवार दोपहर खबर लिखे जाने तक जिले में कोरोना पॉजिटिव का कोई नया मामला सामने नहीं आया जबकि कोई कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी नहीं हुआ। इन आंकड़ों के अनुसार जिले में कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव केसेस की संख्या 3 ही रही। वीरवार को खबर लिखे जाने तक भिवानी जिले में जहां एक ओर कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया वहीं दूसरी ओर जिले में कोरोना का कोई भी मरीज ठीक भी नहीं हुआ। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 22,404 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं जिसमें से 21,747 मरीज ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना के
3 एक्टिव केस हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने लोगों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के साथ साथ कोविड 19 के नियमों की पालना करने तथा वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील भी। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।